हाय, आई एम रिचा अनिरुद्ध और मैं इस वक्त हूँ पेंगुइन पब्लिशर्स के ऑफिस में गुड़गांव में, और मेरे साथ है मेरी बहुत अच्छी दोस्त पर उससे ज्यादा एयर इंडिया में कमांडर एंड शी इज ऑल्सो राजू हिरानी इज वाइफ मंजीत हिरानी. और सो शी इज जस्ट अर्न अ राइटर एंड ऑथर, और इनकी बुक हाउ टू बी ह्यूमन पर आज हम बात करने वाले हैं. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस बुक इज कि इसकी कहानी की जो शुरुआत है वो मंजीत तो मेरी बहुत सेम है, बिकॉज मंजीत भी डॉग से उतना ही डरती थी जितनी मैं. और जो बडी जिसके ऊपर बुक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ बडी इज ऑल्सो हियर विद अस, और कैसे मंजीत को बडी से प्यार हुआ और क्या क्या चीजें इन्होंने बडी से सीखी, द बुक इज ऑल अबाउट दैट. मंजीत, वेलकम टू दिस फेसबुक लाइव. थैंक यू, सच अ लवली थिंग, नाइस मीटिंग यू. अच्छा, सबसे पहले बताइए कि आप और मेरे जैसे लोग जो बहुत डरते हैं डॉग से, तो बडी की आपके घर में एंट्री कैसे अलाउ हुई? आई वॉज सो स्केर्ड ऑफ डॉग्स कि मैं अगर किसी के घर जाती थी तो आई टू मेक श्योर कि वो डॉग बंद होना चाहिए. नाउ आई फील वेरी बैड, इट वॉज वेरी रॉन्ग वॉट वी डिड बोथ ऑफ अस, यू नो. बट माई हजबेंड राजू, ही मेड अ फिल्म पीके, एंड उसमें एक डॉग था छोटा सा अनुष्का के हाथ में, जो एक डिप्रेस डॉग था. तो जब शूटिंग खत्म हुई वो डॉग वापस जाने वाला था ब्रीडर के पास, बट मेरे हस्बैंड राजू ही एक्चुअली फेल इन लव विद द डॉग हिमसेल्फ. और मेरा बेटा जो है वीर, ही ऑलवेज वॉन्टेड अ डॉग बचपन से, बट बिकॉज ऑफ माई फियर डॉग वॉज नॉट अलाउड इन द हाउस. सो माई हस्बैंड वॉट ही डिड वॉज ही गिफ्ट रैप द डॉग, एक बास्केट में गिफ्ट रैप करके उसको घर भिजवा दिया. तो जब वो घर में आया, आई सॉ द जॉय, द यू नो यूफोरिया, माई सन, यू नो, वो एकदम दीवाना हो गया उसको देख के. तो आई ऑल्सो वेलकम्ड हिम, एंड एकदम बेबी था, ही वॉज ओनली 6 weeks ओल्ड. दैट वॉज लाइक आई वुड से मदरहुड रिविजिटेड फॉर मी. एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा होता था, हम किसी के घर जाते थे तो मैं तो मतलब ऑलमोस्ट सोफे पे कई बार चढ़ जाती थी अगर किसी के यहाँ डॉग हो. और मेरे हस्बैंड अनिरुद्ध और आयशा उस डॉग को ऐसे देखते थे जैसे ललचाई नजरों से कोई देखता ना, कि घर में खाना ना मिला और किसी दूसरे के घर में बहुत अच्छा खाना दिख जाए, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था. ऑल दीज ईयर्स आई रेजिस्टेड अनिरुद्ध लव फॉर डॉग्स, बट वेन इट कम्स टू योर चाइल्ड, अ लॉट ऑफ टाइम्स यू कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, देखने में अच्छा लगा, ले लिया, बट उसके बाद जो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, यू नो, ये ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग डॉग की, यू नो, घर गंदा कर दिया, कुछ काट लिया, हाउ डिड यू डील विद ऑल दोज? एक्चुअली वीर यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी जब छोटा था कि आप डॉग लेकर आओगे, आई विल डू एवरीथिंग, व्हिच डजंट हैपन. सो आई रिमेम्बर उसकी पॉटी अभी तक मैं साफ करती हूँ, अभी तक, क्योंकि वो बाहर जरूर जाता है करने, बट कभी कभी हमारे गार्डन में भी कर देता है, और मैं इंस्टेंटली जाके साफ कर देती हूँ. एंड मैं हमेशा वीर को बोलती हूँ कि ये बेटा कर लिया कर, बट हाँ मॉम यू डू इट, मैं कर लूंगा नेक्स्ट टाइम. सो बहुत सारी चीजें वीर के साथ, ओनली थिंग इज वो वीर के साथ सोता है आज तक, एंड वीर उसके साथ खेलता बहुत है, जो मैं शुरू में नहीं खेलती थी. सो आई वुड से कि वीर ने वो कॉन्ट्रीब्यूशन, इवन दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसका वैसे केयर करना, उसका फिर वेटनरी डॉक्टर से मिलना, फिर उसके इम्यूनाइजेशन एंड खाना है, ये है वो है. और जिस दिन उसका केयर टेकर नहीं होता, उस दिन मैं बाकायदा उसको खाना खिलाती हूँ बिठा के. सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम. मैं वॉक पे गया उसको, मैं शुरू में एक दो बार वॉक पे भी लेकर गई, बट जब मैं उसको वॉक पे लेकर गई पहली बार, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस दिन आई हैड क्राइड दैट डे, क्योंकि मेरे घर के बाहर एक सड़क पे मैं उसको वॉक पे लेके गई, तो गली के बहुत सारे कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए, एंड आई गॉट सो स्केर्ड. वहाँ कोई लेडीज वहाँ से आ रही थी, दे हैड हे ऑन देयर हेड्स, तो मैंने उन सबको बोला कि आप मुझे घेर लो एंड शू अवे द डॉग्स. फिर बड़ी मुश्किल, एंड आई वॉज एक्चुअली क्राइंग, आई वॉज इन टीयर्स, यू नो. तो आई केम होम एंड आई मैंशन टू समबडी, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप वो सड़क पर मत जाओ, हमारे घर के पास एक ओबरॉय इंटरनेशनल स्कूल है, आप वहाँ पर जाओ, वहाँ डॉग्स नहीं हैं. तो मैं बडी को वहाँ लेकर गई अगले दिन. तो मैं स्कूल की एक सड़क मैंने पार की, तो जब मैंने वो सड़क पार की तो बहुत सारे कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए, देन मैं फटाफट रोड क्रॉस करके आई केम ऑन द अदर साइड. सो एक्चुअली आई रियलाइज कि डॉग्स आर वेरी टेरिटोरियल, उनकी अपनी सबकी एक टेरिटोरी है. तो एक्चुअली दैट वॉज माई फर्स्ट ब्लॉग आई रोट, आई टू राइट ब्लॉग्स ऑन हिम, एंड दैट्स अ फर्स्ट ब्लॉग आई रोट कि दे आर वेरी टेरिटोरियल. बट आई रियलाइज कि इन जंगल एवरीबडी इज टेरिटोरियल, बी द एप्स, द मंकी, द टाइगर, बट सो आर वी ह्यूमन बींग्स, हम भी कितने टेरिटोरियल हैं. माई कंट्री, इवन घर में भी, डाइनिंग टेबल में माई चेयर, किचन में सास बहू का अपना डोमेन होता है, इट्स माई किचन. सो दिस एक्चुअली कम्स फ्रॉम द नेचर.
and we fight over religion, about caste. So territorial actually. So that was my first observation. What has changed in your life? घर में क्या क्या बदला जब से बड़ी हिरानी घर में आया है? Sofa. Because we had a sofa which was bitten for many years. Finally, we changed it. And yes, I would say कि बदलाव ये आया है कि अभी at least I become more tolerant toward other dogs. मैं दूसरों को देखती जरूर हूँ और अब मेरे पास आते हैं तो मुझे डर भी नहीं लगता. Unless they're very big and ferocious. They also get that energy from you. Yes. Yeah. Unko bhi ehsaas ho jata hai ki now we're not so bad with them. And ek responsibility hai kyunki agar hume chutti pe jana hai, to we try to take holidays jahan buddy ko saath le jaye. Ek bar hum Mahabaleshwar gaye the, usko saath le gaye the. Is bar gaye to unhone allow nahi kiya tha, mujhe bahut bura laga. To next time we decided ki next year wahan jayenge jahan pets ko allowed hai. So now everybody, sabka focus hai buddy par hi ghar pe. Ye buddy ne khana khaya, buddy kya kar raha hai. He's like one sweet little child in the house. I had the same experience recently. हमको कहीं बाहर जाना था और पहली बार हुआ था. अब रियो एक साल से ज्यादा हो गया है और कहीं कहाँ छोड़ना है. मतलब I realized कि अनिरुद्ध और आयशा से ज्यादा मैं लैपटॉप पे टाइम स्पेंड कर रही हूँ, फ्रेंड्स को व्हाट्सएप भेज रही हूँ, फेसबुक पर डाल रही हूँ कि यू नो अ प्लेस वेयर आई कुड लीव रियो. फाइनली आई डिड फाइंड वन इन नोएडा. ये बुक How to be human. I mean, ठीक है, you fall in love with Buddy. I've also fallen in love with Rio. But book लिखना है, ये thought कब और कैसे आया? As I said, मैं ब्लॉग्स लिखती थी इसके ऊपर, तो मैंने तीन ब्लॉग्स तो पोस्ट भी करते हैं. वो अभी भी मेरे साइट पे हैं, manjeethirani.com. अगर आप देखेंगे तो वो मेरे तीन ब्लॉग्स हैं. तो मैंने 10 ब्लॉग्स लिख के आई केप्ट इन माई आईपैड, ये सोच के कि आई विल पोस्ट वन एवरी वीक, मेरा काम आसान हो जाएगा. एक दिन मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे घूम रही थी एंड आई वेंट टू डब्ल्यू एच स्मिथ स्टोर एंड वहाँ एक सेल्समैन था राजमल. उसको भी मैंने मेरे कॉन्फिडेंटली बोला कि मैंने किताब लिखी है मेरे डॉग पे एंड डू यू नो एनी पब्लिशर्स. एंड ही वॉज वेरी स्वीट, ही गेव मी फ्यू नंबर्स. तो मैंने उन सबको ट्राई किया और उनमें से मैंने पेंगुइन को भी ट्राई किया. तो व्हेन आई कॉल्ड अप पेंगुइन एंड राधिका वॉज द वन हु पिक्ड अप द फोन एंड आई सेड आई हैव रिटन अ बुक ऑन माई डॉग. तो शी सेज ओ वी नीड 50,000 वर्ड्स. तो आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड वर्ड्स. मुझे जो मैं पोस्ट डालती मैंने कभी देखा नहीं कितने वर्ड्स थे, काउंट नहीं किया. सो जस्ट राइट जितना मेरा मन करता था. तो आई सेड आई डू वन थिंग, आई हैव रिटन ब्लॉग्स ऑन माई डॉग, कैन आई जस्ट सेंड यू द लिंक. आई सेड वर्ड्स आई डोंट अंडरस्टैंड बट यू जस्ट रीड माई ब्लॉग इफ यू लाइक इट यू टेल मी. आई जस्ट सेंड हर द लिंक ऑन व्हाट्सएप. तो नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर कि ओ वी लाइक इट, इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट एंड कैन यू गिव अस 25,000 वर्ड्स. आई सेड सी आई डोंट टेल मी अबाउट वर्ड्स, यू टेल मी हाउ मेनी चैप्टर्स यू नीड. तो शी सेड ओके गिव मी 20 चैप्टर्स. तो मैंने 10 लिखे हुए थे एंड देन आई रोट द रेस्ट 10. तो देयर आर 20 चैप्टर्स इन द बुक. सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज दिस बुक फॉर डॉग लवर्स, डॉग हेटर्स और पीपल हु हैव नो ओपिनियन ऑन डॉग्स एट ऑल? आई वुड से दिस बुक इज फॉर एवरीवन, वेदर यू आर अ डॉग लवर, नॉट अ डॉग लवर, और यू आर अ पेरेंट और अ फ्रेंड और एनीथिंग, बिकॉज दिस बुक इज एक्चुअली अ फिलोसॉफिकल बुक. And I've taken analogies straight from the nature. We human beings and nature. So, pure unke humne inspirations pure nature se liye hain. So, I think everybody should read the book. Wow! I'm not only going to read it. I want to gift it to a few dog lover friends. Radhika, Rati, tum log sun rahe ho na? These were the friends who always used to tell me. Get a dog at home. Get a dog at home. You'll fall in love. You'll fall in. Aur main bolti thi ki aap bakwas hai yaar. You know, don't give me this nonsense. So thank you so much, Manjeet. And I think we're blessed now to have Buddy and Rios in our life. Yes, we are really truly blessed. And I think that's the best thing happened to us. Okay. Or one information: Amazon par pre-booking is booki chal rahi hai. How to be human? I think get this book for yourself and your friends. Good thing to gift. Bye bye.